और अब एक अलग खबर, बात इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी एक और घटना की। इंडिगो एयरलाइन से एक और विवाद जुड़ गया है और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप जो वीडियो देखेंगे ये तस्वीर किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की नहीं है, ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है और पास में ही इंडिगो एयरलाइंस का विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। आप भी इस वीडियो को देखकर चौंक गए होंगे। आखिर वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से यात्रियों को रनवे पर बैठकर ही डिनर करना पड़ा? सिर्फ एक या दो यात्री बैठकर यहाँ डिनर नहीं कर रहे, फ्लाइट के सभी यात्री रनवे पर बैठकर खाना खाने लगे। ये हुआ क्या? रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। यहाँ दर्जनों लोग चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठे हैं। सबके सामने प्लास्टिक के बाउल में खाना रखा है, चम्मच है, पानी की बोतलें हैं और इन सब के ठीक पीछे इंडिगो एयरलाइंस का विमान खड़ा है। पहली बार में देखने पर यकीन नहीं होता कि ये एक एयरपोर्ट है। कुछ नहीं था। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों ने एयरपोर्ट के रनवे पर ही डिनर करना शुरू कर दिया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन यात्रियों ने रनवे पर ही अपना खाना पानी खोल लिया। अब आपको इन तस्वीरों के पीछे की असल कहानी बताते हैं। इंडिगो की 6E2195 फ्लाइट को गोवा से दिल्ली जाना था। 12 घंटे देरी से उड़ान भरने के बाद इसे मुंबई डाइवर्ट किया गया। नाराज पैसेंजर्स मुंबई में प्लेन से उतर गए, रनवे के पास जमीन पर नीचे बैठ गए। सभी पैसेंजर्स रनवे पर ही बैठकर खाना खाने लगे। शुरुआत में वीडियो देखकर आपको यात्रियों का व्यवहार असभ्य लग रहा होगा, लेकिन असल हकीकत जानकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इन यात्रियों की मजबूरी क्या थी। अब इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी है। हम 14 जनवरी 2024 को गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2195 से जुड़ी घटना से अवगत हैं। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया। हम अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं, साथ ही हम इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो इसके लिए कदम उठाएंगे। इंडिगो ने इस घटना के लिए माफी मांग ली है, लेकिन एक दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्पड़ मारने की घटना ने भी तूल पकड़ लिया था। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो, ये रनवे पर बैठ के ही भोजन किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यात्री इंडिगो की जो फ्लाइट है उसके बगल में बैठकर ही टारमैक पर खाना खा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों का खाना खाने के मामले में सरकार भी फॉरन एक्शन में आ गई है। आधी रात को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेजा गया। लेकिन आप समझिए कि आखिर यात्रियों के अधिकार क्या हैं। DGCA की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक खराब मौसम के कारण फ्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा देर होने की आशंका पर एयरलाइंस उस फ्लाइट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए एयरलाइंस को अपने पैसेंजर्स को SMS, व्हाट्सएप या ईमेल पर सूचना देना होगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट वेटिंग रूम में डिस्प्ले पर फ्लाइट की पूरी जानकारी देनी होगी। फ्लाइट के देर होने पर यात्रियों को रियल टाइम अपडेट देना होगा और वेबसाइट पर भी फ्लाइट की सटीक और पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही एयरलाइन स्टाफ को यात्रियों के लगातार संपर्क में रहना होगा। यानी एयरलाइन स्टाफ यात्रियों को बरगला नहीं सकते, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि फ्लाइट के देर होने पर एयरलाइंस रहने और खाने का भी इंतजाम करती है, तो वो भी जान लीजिए। अगर एयरलाइंस मौसम या किन्हीं दूसरी वजहों से फ्लाइट कैंसिल करती है तो उन्हें दूसरे उड़ान की व्यवस्था करनी होगी। अगर यात्री दूसरी फ्लाइट से ना जाना चाहें तो कंपनी को टिकट का पूरा पैसा उस यात्री को वापस देना होगा। अगर यात्री दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे हालात में एयरलाइन कंपनी को यात्रियों के खाने और नाश्ते का भी इंतजाम करना होगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कंपनी को यात्रियों के लिए होटल में रुकने और खाने का भी प्रबंध करना होगा। और अगर कोहरा या मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई तो कंपनी को 1 हफ्ते में पैसा रिफंड करना होगा। लेकिन टारमैक पर खाना, वही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दिया। यात्रियों की असुविधा को देखते हुए क्या एक्शन लिए गए वो भी समझ लीजिए। सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP पर लगातार नजर बनाए रखे। 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर 24 घंटे CISF जवानों की तैनाती होगी, सुरक्षित सुनिश्चित होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर CAT-3 रनवे शुरू कर दिया गया है। CAT-3 रनवे पर कम विजिबिलिटी में लैंडिंग आसान होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उनके पास 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स की भी डेली रिपोर्ट्स है और उसके आधार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फैसले लिए गए।